Do subscribe to Techmix Study and don't forget to press the bell icon. हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदन और ये मेरे चैनल टेक्निक स्टडी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोलिक पंप्स पे आए हुए कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी जेईई में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कुछ क्वेश्चन एसएससी जेईई पे आए हुए पिछले कुछ सालों के अंदर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 146, इसमें पूछा गया है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर द पंप्स एट, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड एंटर कौन सी पोजीशन से होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है वो है एट द टॉप, बी जो है एट द बॉटम, सी एट द सेंटर और फोर्थ डी जो है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सी एट द सेंटर। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमेशा से ही एट द सेंटर के ऊपर से जो कि लिक्विड जो है एंटर होता है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, इसमें पूछा गया है इन जनरल द वेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के अंदर वेन्स किस प्रकार की होती है। क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, ए कर्व फॉरवर्ड, बी कर्व बैकवर्ड, सी रेडियल और डी ट्विस्टेड। तो इसका सही आंसर है बी जो कि कर्व फॉरवर्ड, सॉरी कर्व बैकवर्ड होती है, जो कि वेन्स जो होती है वो टिपिकली बैकवर्ड कर्व होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, इसमें पूछा गया है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स इज स्टार्टेड विथ डिलीवरी वेल्व। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी डिलीवरी वेल्व की पोजीशन क्या होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट इज केफ्ट फुल्ली ओपन, ऑप्शन बी केफ 50% ओपन, ऑप्शन सी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन या ऑप्शन डी केफ्ट फुल्ली क्लोज। तो इसका सही आंसर है केफ्ट फुल्ली क्लोज। जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करते हैं तो डिलीवरी वेल्व को पूरी तरह से बंद रखते हैं। तो ये तो हो गए कुछ तीन क्वेश्चन, इसके बाद के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 149, जिसमें पूछा गया है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेईई के अलावा सीएससी के अंदर भी आया हुआ है, गेट में भी बहुत बार पूछा गया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन पता होना चाहिए। देख लीजिए, ये है वो इक्वेशन जिसके अंदर बताया गया है जो डिनोट करता है पी जो कि पावर है, एच जो कि हेड है, डी जो है डायमीटर है और एन जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन इक्वेशन आपको हमेशा से ही ध्यान रखने हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, जो कि डिनोट करते हैं पी जिसमें बताया गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टू द पावर 5 और एन क्यूब को, एच जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर और एन स्क्वायर को, और क्यू जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी क्यूब और एन को। ये तीन इक्वेशन के ऊपर से आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो आपको पता करना है। ऑप्शन देख लीजिए, पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर स्पीड स्क्वायर, ऑप्शन बी हेड इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर सॉरी डायमीटर और ऑप्शन डी हेड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। तो आप पहला ऑप्शन देख लीजिए, पावर जो कि स्पीड का स्क्वायर बताया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पावर है वो स्पीड का स्क्वायर ना होते हुए स्पीड का क्यूब है, जो वजह से आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, जो कि वही क्वेश्चन पूछे गए थे रॉन्ग स्टेटमेंट आप बताइए। तो इसका सही आंसर 149 का हो जाएगा ए, बाकी की जो तीन स्टेटमेंट है वो टोटली राइट है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर द पंप। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी देखा है दोस्तों, जिसका आपको आंसर पता है एट द सेंटर, अभी ही हमने ये क्वेश्चन देखा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151, जिसमें पूछा गया हेड डेवलप बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स ऑन, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हेड डेवलप होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन देख लीजिए, इंपेलर डायमीटर, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी टाइप ऑफ केसिंग, ऑप्शन डी ए एंड बी। जैसे कि मैंने आपको अभी एक इक्वेशन बताया था, ये इसमें जो कि एच जो रिप्रेजेंट करता है वो हेड है, डी जो रिप्रेजेंट करता है डायमीटर है और एन जो रिप्रेजेंट करता है स्पीड है। इसी इक्वेशन पे हमें एक क्वेश्चन अभी इन्होंने बना के सामने रिप्रेजेंट किया। जैसे कि मैंने कहा है कि ये जो तीनों भी इक्वेशन है ये आपको पार्टी करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं हेड जो है वो डायमीटर और स्पीड पे डिपेंड करता है, बस वही क्वेश्चन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जो कि उसका सही आंसर हो जाएगा इम्पेलर डायमीटर और स्पीड दोनों भी मिला के, जो कि अपना ऑप्शन डी है। तो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसमें पूछा गया है फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर फॉलोइंग पंप इज प्रिफर्ड।
अगर आपको हाई प्रेशर पे फ्लूड को डिस्प्लेस करना है और डिस्चार्ज अगर कम देना है तो कौन सा पंप आप प्रिफर करेंगे, जिसके अंदर ऑप्शंस पूछे गए हैं। ऑप्शंस के अंदर पहला है मिक्स्ड फ्लो, सेकंड इज़ द रेसिप्रोकेटिंग, थर्ड इज़ द एक्सियल और फोर्थ वन इज़ द सेंट्रीफ्यूगल। आपको हमेशा से ही पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो हाई प्रेशर के लिए डिमांडेबल होता है और रेसिप्रोकेटिंग जो होता है वो लो प्रेशर के लिए डिमांडेबल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। इन जनरल द वेन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की जो वेन होते हैं वो किस प्रकार की होती है, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी देखा जिसका सही आंसर है कर्व्ड बैकवर्ड। हमेशा से याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की वेन हमेशा से ही बैकवर्डली कर्व्ड होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद के देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे गए SSC GE में। एयर वेसल्स इज़ यूज इन ए रेसिप्रोकेटिंग पम्प ऑप्टेन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एयर वेसल्स क्या होते हैं। एयर वेसल्स एक प्रकार के फ्लूड सप्लाई होता है। जैसे कि आपको पता है जब रेसिप्रोकेटिंग पम्प सक्शन करता है या डिलीवरी करता है तो वो दोनों दोनों सिचुएशन के बीच में एक स्मॉल पॉज आता है। सक्शन के टाइम पे भी पॉज आएगा और डिलीवरी के टाइम पे भी पॉज आएगा। उस पॉज को मिनिमाइज करने के लिए एयर वेसल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि जिसमें वाटर जो होता है वो कंटेन किया जाता है और पॉज के दौरान वो वाटर सप्लाई किया जाता है, तो उसको एयर वेसल्स कहते हैं। मैं मेरे एक वीडियो में एयर वेसल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा इसके बाद तो फिलहाल लौटते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछे गए एयर वेसल इन रेसी इज़ यूज इन रेसिप्रोकेटिंग पम्प ऑप्टेन। एयर वेसल रेसिप्रोकेटिंग पम्प में क्यों यूज़ किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग ऑफ सक्शन हेड, सेकंड इज़ द राइज इन डिलीवरी हेड, थर्ड इज़ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट और फोर्थ वन इज़ द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द वाटर। तो इसका सही आंसर है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। कंटिन्यूस सप्लाई वाटर वाटर की कंटिन्यूस सप्लाई के लिए एयर वेसल्स यूज़ किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, जिसमें पूछा गया था डिस्चार्ज थ्रू ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज का फॉर्मूला पूछा गया है इसमें, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ऑप्शन वन इज़ क्यू इज इक्वल टू ALN, ऑप्शन बी इज़ क्यू इज इक्वल टू ALN/60, ऑप्शन सी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ALN/60 और ऑप्शन डी क्यू इज इक्वल टू ALN, जिसका सही आंसर है Q ALN/60। ये सिंगल एक्टिंग के लिए, अगर डबल एक्टिंग होगा तो ये 2 ALN/60 हो जाएगा। सिंगल एक्टिंग के लिए पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, जिसमें पूछा गया था स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय। स्पेसिफिक स्पीड पूछी गई है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन वन इज N√Q बाय H²³/3, ऑप्शन बी N√Q/H²³/3/4, ऑप्शन सी N√Q/H और ऑप्शन डी N√Q/H²³/5/4। इसका सही आंसर है N√Q/H²³/3/4, जो कि बी ऑप्शन है। स्पेसिफिक स्पीड रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की N√Q/H²³/3/4। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 157, डिस्चार्ज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय। सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज का फार्मूला इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए BVF ऑप्शन वन, ऑप्शन बी इज़ द πDVF, ऑप्शन सी इज़ द πBVF और ऑप्शन डी πDBVF, जिसमें डी क्या है डायमीटर ऑफ द इनलेट, बी क्या है विड्थ ऑफ द इम्पेलर और एफ क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। इसका सही आंसर है डी, जो कि πDBVF, ये आंसर उसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 157 का। तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर पूछा गया है कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन हाई। क्वेश्चन, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट वन इज़ द पंपिंग ऑफ विस्कस फ्लूड, सेकंड इज़ द हाई डिस्चार्ज, थर्ड वन इज़ द हाई हेड या फोर्थ वन इज़ द इफिशंसी। तो आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि मल्टी स्टेज हम ज़्यादातर हाई हेड के लिए करते हैं, जो कि हमें ज़्यादा डिस्टेंस से ज़्यादा ऊपर तक हमें फ्लूड को डिस्प्लेस करना है, वो जैसे हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 159, द इफिशियंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन ब्लेड्स आर। इफिशियंसी सेंट्रीफ्यूगल पंप की मैक्सिमम
कब होती है, मतलब कौन से पोजीशन पर होती है ब्लेड्स के, तो ज़्यादातर इसमें ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछे गए हैं कि पोजीशन कैसी होती है ब्लेड की। तो उसका पहला आंसर तो होगा बेंड बैकवर्ड, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बेंड बैकवर्ड हमेशा से आपको पता होना चाहिए कि बेंड बैकवर्ड जो ऑप्शन दिखा हुआ है उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। 160 में पूछा गया, इन सेंट्रिफ्यूगल पंप कास्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज, सेंट्रिफ्यूगल पंप से जो वाटर बाहर निकलता है वो किस प्रकार के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर चार तरह के ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर फ्लो, सेकंड इज द फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, थर्ड वन इज द फोर्थ वॉर्टेक्स फ्लो और फोर्थ वन इज द रेडियल फ्लो। इसको सही आंसर है दोस्तों फोर्थ वॉर्टेक्स फ्लो, 160 फोर्स वर्टिक फ्लो, जिसके अंदर आपको बताता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप से बाहर निकलेगा पानी पानी या फ्लूड वो फोर्स वर्टिक फ्लो मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 161, जिसमें पूछा गया टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या करना चाहिए, कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, डिलीवरी प्रेशर शुड बी हाई, ऑप्शन बी सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, ऑप्शन सी डिलीवरी प्रेशर शुड बी लो, या ऑप्शन डी सक्शन प्रेशर शुड बी हाई। इसका सही आंसर है डी, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई। अगर आपको कैविटेशन को रिमूव करना है तो सक्शन प्रेशर को हाई रखना होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अगर आपको पता नहीं कि कैविटेशन क्या होता है तो मेरे एक वीडियो में आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देख लीजिए जो कि लास्ट है, 162, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मेजर्ड हेड टू हेड इम्पार्टेड टू फ्लो बाय इम्पेलर फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नोन एज। इसमें एक्चुअली एक डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया है कि जो उसमें पूछ रहा है कि एक रेशियो है जो कि एक्चुअल मेजर्ड हेड है और हेड इम्पार्टेड टू फ्लो है, इसको क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर है बी, मैनोमेट्रिक हेड। ये मैनोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करता है। मैनोमेट्रिक हेड क्या है, ये रेशियो है एक्चुअल मेजर हेड को और हेड इम्पार्टेड टू फ्लो, इन दोनों के रेशियो को मैनोमेट्रिक हेड कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आज के क्वेश्चंस थे जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हाइड्रोलिक पंप्स की के बारे में कौन से एमसीक्यूज आते हैं कुछ एग्जाम्स के अंदर।